हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बीएससी पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेंटल एबिलिटी का आपका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ बीएससी एजी का। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मेंटल एबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर बहुत अच्छा सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे ऐड हुए हैं और व्यूज कमेंट लाइक भी बहुत अच्छा आया है। और मैं आपके डिमांड के अनुसार ही मैं सेकेंड पार्ट इसका लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो आपको ये वाला भी अच्छा लगे और ज़्यादा हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप बहुत जल्दी बताइए, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्जाम में बचे नहीं हुए, मुश्किल से अब 10-12 दिन और बचे हुए। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइएगा, तो अब मेंटल एबिलिटी का और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है रियली देखिए ये क्या है, बोनस पॉइंट है आपका। अगर आपका उधर कोई सब्जेक्ट्स कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है, या फिर क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप मेंटल एबिलिटी के सपोर्ट से आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में क्या है, अगर किसी बॉडी की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा इसको। चलिए हम मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए क्या है, पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट, हाँ, 1/2 mv² ठीक है, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mv। तो आप क्या कीजिए, ये 2 नीचे चला जाएगा, इसमें दोनों में m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बदल के अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mv का होल स्क्वायर अपान के 2m, ये हो जाएगा। तो ये एम भी किसके बराबर है, ये पी के बराबर है, तो के इक्वल टू हो जाएगा पी का होल स्क्वायर अपन के 2m। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको अगर डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसको अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देख लिया आप, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4 गुनी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द लॉ विच डिफाइंस फोर्स इज, देखिए जो न्यूटन्स लॉ है, 3 न्यूटन्स लॉ होते हैं, इन तीनों न्यूटन्स लॉ का जो जितने भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, इसे क्वेश्चन जरूर एक बार आता है। तो देखिए, वह नियम जो बल के प्रभावित करता है उसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका तीसरा होगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स। और न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे क्या है यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ तो आपको पता ही होगा, एक्शन टू रिएक्शन बोलते हैं, तो ये हो गया आपका। देखिए तीसरा क्या है, फाइंड द आउट ऑड ऑन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन भिन्न है आपको बताना है। देखिए, जो कैरेट, पोटैटो, टोमेटो और क्या है, जिंजर है, मतलब गाजर, आलू, टमाटर, अदरक। तो देखिए इसका आंसर जो होगा अदरक होगा, ठीक है, अरे सॉरी क्या है, टमाटर होगा। गाजर, आलू और अदरक, ये तीनों क्या है, जमीन के नीचे, और ये तीनों तना है, लेकिन टमाटर क्या है, जमीन के ऊपर है, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चूज द ग्रुप लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्न से कौन सा अक्षरों का समूह क्या है, डिफरेंट है। तो मैं ऐसे आपको, मुझे आंसर तो पता है तीसरा, चलिए मैं बताता हूँ तीसरा कैसे होगा, इस चीज को आप देख लीजिए, क्योंकि आपको रीजनिंग पकड़नी है। तो देखिए, जो ए बी है ये अल्टरनेट, मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ए बी, फिर 1 गैप डी, एच आई कंटिन्यूअस है, फिर 1 गैप के, मतलब जे बीच में गैप है, ठीक है, फिर W, अब क्या है, V है और W है, 2 गैप चला गया इसमें, कौन कौन सा, X और Y, फिर Z है, फिर Q कंटिन्यूअस है, R 1 गैप T, मतलब RST, ठीक है। तो सब में 1 1 गैप मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 गैप है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है VWZ, इसमें यहाँ पे 2 गैप है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर देखिए क्या, चूज द नंबर पेयर विच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्नलिखित अंकों के जोड़ों में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो दूसरों से भिन्न है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सेकेंड, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा रीजनिंग है, ये आपके और भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन जो है 70 और 80 है, 70 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10, और 10 से 70 में भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 7, और 10 से 80 में भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और देखिए जो सेकंड ऑप्शन जो है 54 है और 62 है, तो 54 और 62 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना, 8 का है, और जब 8 से 54 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है, ठीक है, नहीं ये ऑप्शन आपका, देखिए यहाँ पे 8 से 7 क्या, ये नहीं कटेगा, फिर 7 अगर फिर 8 का 62 में देंगे तो भी नहीं कटेगा, इस ऑप्शन को भी आप क्या रखिए, होल्ड रखिए, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, इसमें क्या डिफरेंस कितना आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन है, 28 और 32, 4 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 7, 7 चौका 28, फिर इसमें जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4/8 32,
फिर जब इसमें देखेंगे डिफरेंस 3, और 3 से भाग देंगे तो 7 3 21, और 3 8 24, मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में 7 8 7 8 7 8 कंटिन्यूअस मिल रहा है। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें आपको देखिए 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब 7 8 का जो एक सीरीज बन रही है वो नहीं मिलेगी, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज इसमें एक आंसर और यहाँ से ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत आएगा। देखिए जो इसका आंसर उन्होंने दिया है इस बुकलेट वालों ने वो गलत दिया। उन्होंने क्या दिया है कि पहले का डिफरेंस 10 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 4 है, और जो चौथे का है वो 3 है। तो उन्होंने इवन आउट पे कर दिया है कि ये तीनों वैल्यू इवन है और यहाँ पे ऑड है, मतलब ये सम है और ये विषम है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये रीजनिंग गलत है, जो मैंने बताया रीजनिंग ये सही है कि क्या होगा, ये जो 7 8 वाला है ये रीजनिंग इस पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के लिए देखिए क्या होता है, रीजनिंग के लिए 3 ऑप्शंस रखे जाते हैं, मींस कि 3 तरीके से देखा जाता है। जो ऑप्शन 3 बार फॉलो हो जाते हैं एक पे वही आंसर सही होता है, और मैंने उसको फॉलो कराया है। आगे मैं चलता हूँ। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट वन ऑफ विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, बता रहा है निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए जो इस ग्रुप में नहीं, मतलब जो इसमें से भिन्न है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पारा सॉरी मरकरी मून जुपिटर वीनस, हिंदी में देखिए मरकरी चंद्रमा जुपिटर वीनस। तो देखिए जो मरकरी है और जुपिटर है और वीनस है, एक है प्लेनेट है, चंद्रमा क्या है ये सैटेलाइट है, तो मून इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर क्या है, नेक इज रिलेटेड टू द टाई सेम वे एज द वेस्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, जैसे कि टाई गर्दन में संबंधित है उसी तरह कमर से संबंधित क्या होगा, तो कमर से आपको पता ही कि बेल्ट होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसीलिए बोल रहा हूँ मेंटल एबिलिटी के थोड़े थोड़े ये सब जो जो इवन ऑड के होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। देखिए अभी सीरीज जब चालू होगा तब देखिए ये आ गया क्या है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फॉलोइंग, ठीक है। देखिए इसमें जो रीजनिंग है वो क्या है, जैसे 9 9 के स्क्वायर किया, 9 9 के 81 81 -1 80, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 7 7 49 49 -1 क्या आएगा 48। इसको मैं एक बार आपको सामने भी रख के दिखा देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने रीजनिंग लगाया, ठीक है, 9 9 81 -1 80, उसी प्रकार क्या हो जाएगा 7 7 49 -1 48। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर ये रहा आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट करेक्ट एंटिटी विच इज मिसिंग इन द फॉलोइंग क्लॉक टाइम, तो टेम्परेचर क्या होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत सीरियस मत हो जाइएगा कि रीजनिंग बहुत हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में आता है, लेकिन मेंटल एबिलिटी का भी मैं कंटिन्यूअस आपको 7 पेपर कराने वाला हूँ। आप 7 दिन के अंदर ये 7ों पेपर कंटिन्यूअस वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोनस पॉइंट है। तो देखिए जो टेम्परेचर होगा ये क्या करता है, जो थर्मामीटर होता है क्या नापता है, टेम्परेचर होता है। देखिए मुझे एक्चुअली मुंह पे आंसर, इसलिए मेरे मुंह से आंसर ही निकल जा रहा है, तो टेम्परेचर इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए इफ द वर्ड गिव इज कोडेड एज 5137, ठीक है, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, अगर शब्द गिव की कोडिंग की जाती है 5137 से और बैट की कोडिंग की जाती है 924 से, तो गेट की कोडिंग क्या होगी। देखिए बहुत इजी है, इसमें आप सीधे अभी देख लीजिए जी की कोडिंग क्या है, 5 है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है, जिसकी कोडिंग की जाए उसको दिमाग में रख लीजिए, किसकी कोडिंग करनी है, गेट की, तो गेट में क्या आया है, जी आया है, तो जी के लिए क्या है, 5, तो ऑप्शन 5 किस में है, 1 में है 3 में है 4 में। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपको ए चाहिए, तो ए की कोडिंग देखिए बैट से मिल गया है, तो ए की कोडिंग क्या है, 2, तो 5 2 कहाँ मिलेगा, तो 5 2 देखिए तीसरे में, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और अगर पूरा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, टी की कोडिंग क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 है, और ई की कोडिंग यहाँ से देख लीजिए, ई की कोडिंग आपका क्या है, 7 है, तो 7 है आंसर, राइट। फिर देखिए एक, मैं इसको भी हिंदी में ही पढ़ता हूँ, अगर एक घड़ी में 9 बज रहा है और वह पाया जाता है कि घंटे की सुई दक्षिणतम पूर्व की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई उस समय किस दिशा में होगी। देखिए इसको मैं फिगर से बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसको देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो घंटे की सुई है, देखिए ये बोल रहा है दक्षिणतम, क्या बोला है, दक्षिणतम, यहाँ पे बोल रहा है दक्षिणतम पूर्व। देखिए दक्षिणतम पूर्व क्या है, देखिए ये पूरब होता है, ये ऐसे देखिए आप, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एरिया इधर क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, मतलब 9 यहाँ बजा रहा है, तो 9 बजने में 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे बड़ी वाली सुई रहेगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि बड़ी वाली सुई किस दिशा में रहेगी, तो बड़ी वाली सुई जस्ट अपोजिट में रहेगी, मीन्स कि साउथ में, तो वो भी रहेगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा, साउथ। ठीक है, और इधर क्या होता है, तो वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट।
आंसर हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहाँ है यहाँ पे, तो देखिए साउथ वेस्ट आपका थर्ड ऑप्शन मिल गया, मतलब दक्षिण पश्चिम। फिर देखिए 12 क्वेश्चन, ठीक है आप कंसंट्रेशन से देखते रहिएगा। विच इज द नेक्स्ट नंबर इज द सीरीज गिवन बिलो, ठीक है इसमें बोल रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 28, 49, 70, 91, 112, ठीक है तो इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आपका आएगा 133। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप ये देखिए कि 7, 4, 28, ठीक है फिर 7, 7, 49, ठीक है तो इसका जो सीरीज है देखिए ऐसे हो रहा है, देखिए इसमें एक सीरीज ऐसे बनानी पड़ेगी, देखिए ये था मैंने आगे लिखते चला गया, यहाँ पे चार होना चाहिए था, मतलब आप समझ लीजिए कि ये इसके पहले यहाँ से लिखा गया, तो देखिए जो इसके बीच का डिफरेंस है कितना है, इसके डिफरेंस इसके बीच में कितना 3 का है, तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, तो 16, 3, 19, तो 19, 7 जोड़ गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 133, ठीक है। अगर आपको इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन फिर से बता दूंगा, ठीक है। द मिसिंग नंबर टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, देखिए इसमें बोल रहा है मिसिंग नंबर क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्यूब पे है, ठीक है देखिए नंबर सीरीज के इस बार पेपर में बहुत ज़्यादा आए हैं मैं देख रहा हूँ, और ये जो ईयर है मैं आपको बताना भूल गया था, ये 2011 का पेपर है, ठीक है तो देखिए 1 का क्यूब कीजिए तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 का क्यूब कीजिए तो 0 ही रहेगा, फिर क्या है फिर आपको 1 का करना है, एक मिनट को बताता हूँ। हाँ देखिए ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी ईजी है, क्या होता है ना रीजनिंग का आप क्या होता है क्या है कि इन सब में कई सारे जब क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो पता चल जाता है कि कैसे आपको यूज करना है, क्वेश्चन देख के दिमाग में आएगा। देखिए एक बार तो कन्फ्यूज मैं भी हुआ इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर क्या है कि अचानक से स्ट्राइक कर जाता है, जब आप प्रैक्टिस किए होते हैं दिमाग में क्या करता है वो क्लिक कर जाता है। देखिए क्या है 1 का है, देखिए 1 का क्यूब कीजिए तो 1 ही होगा, फिर माइनस 1 करना है आपको, ठीक है फिर आपको माइनस 1 करना है फिर से 0 हो जाएगा, फिर क्या है फिर 2 का, तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 × 4 × 8, 8 − 2 क्या हो जाएगा 6, फिर 3 का कीजिए तो 3, 3 × 9, 3 = 27 − 3, मतलब जिसका क्यूब करना है उसे घटाना है तो 24, फिर आपको 4 का करना है तो 64 − 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 − 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 120 आंसर हो जाएगा। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है, तो इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो आपका 28 है, ये आप देख लीजिए कैसे कर रहा है। देखिए पहला क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पे कैसे आया होगा, तो आप 2 का क्यूब कीजिए 2 × 4 × 8, 8 − 1 कर रहा है, 8 − 1 मतलब 7, ठीक है यहाँ पे क्या कर रहा है 3, 3 × 9, 3 = 27, सो 27 + 1 = 28, चलिए हम इसको होल्ड रखते हैं 28 को, फिर 63 देखिए तो ये क्या है 4 × 4 = 16, 64 − 1, मतलब इसमें भी माइनस 1 हुआ इसमें भी माइनस 1 हुआ, लेकिन 28 में क्या हुआ प्लस हुआ, तो देखेंगे आप इधर कंटिन्यूस आगे तक चलेंगे तो सब में क्या है माइनस 1 हो रहा है, जैसे कि 7 और 63 में हुआ है, लेकिन 28 में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है गलत संख्या बताना है तो 28 इस सीरीज को क्या कर रहा है कहीं ना कहीं मिसप्लेट कर रहा है, इस सीरीज को गलत साबित कर रहा है। 15वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो देखिए इसका बहुत ही आसान है, इसमें इस वाले कार्नर वैल्यू को कोई नहीं कोई काम ही नहीं है, बस इसको देखिए 5 × 20, 8 × 3 = 24, तो 4 × 9 = 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सुनीता रैंक 11 फ्रॉम द टॉप एंड 27 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, एक बार हिंदी में देखिए, सुनीता अपने क्लास में ऊपर से 11वें स्थान पे और नीचे से 27वें स्थान पे, तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। देखिए बोल रहा है कि सुनीता कहाँ पे है, ऊपर से 11वें स्थान पे है, ठीक है ऊपर से 11वें स्थान पे है, यहाँ पे मान लो सुनीता है, ठीक है फिर नीचे से 27वें स्थान पे है, नीचे से फिर ये सुनीता है 27वें स्थान पे, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, लेकिन एक चीज बताइए कि सुनीता ऊपर से भी काउंट हुई है नीचे से भी काउंट हुई है तो −1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 37 आंसर आ जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ऊपर और नीचे से वैल्यू दी हो तो जो भी गिवन वैल्यू हो इसका फार्मूला ये होता है गिवन वैल्यू एडिशन −1, ठीक है तो जोड़ दीजिए इसका आंसर 37 चौथा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन क्या है, बीच लेटर अकर्स मोस्ट ऑफ्टन फॉलोइंग द बीच, क्या निम्नलिखित शब्दों में से कौन ऐसा अक्षर है जो कि सबसे अधिक बार आता है, तो ये तो बहुत ईजी है, ये आप बस ये आपके फास्टनेस पर डिपेंड करता है, ध्यान रहे कि जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा, तो इसमें जो सबसे बार आया होगा आपका देखिए क्या है डबल पी है, क्या डबल पी यहाँ पे 3 पी आया है
और ए कितनी बार आया है, दो बार आया है, और एक, तो इसमें आंसर देखिए मुझे दिख गया, पी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिएगा, ये आपका आई टेस्ट है एक तरीके से। फिर क्या है, ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी और सी का संबंध क्या है। देखिए ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहन हैं, ठीक है, ये दोनों एक जनरेशन के हैं, ये दोनों एक जनरेशन के हैं। फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा जनरेशन गैप। आप रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का मैंने एक वीडियो डाला है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए तो आपका और अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जनरेशन गैप पता चल जाएगा। ए का बेटा डी है, मतलब ए का बेटा डी है, ए का बेटा डी है, इसका मतलब जो सी डी है ये क्या है, एक जनरेशन कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो बी और किस में पूछ रहा है, बी और सी में। तो देखिए जो बी और सी का रिलेशन निकल के आएगा, जब ये दोनों भाई हैं तो इसका लड़का चाचा का रिलेशन तो क्रिएट करेगा, चाचा का करेगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और दिमाग अच्छे से सोचिएगा, मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप एक बार इसको देखिएगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें पहले आपको देखना होता है कौन किस ग्रुप में है, सेम सेम ग्रुप में को अलग रखिए, फिर जनरेशन गैप देख लेते हैं। ये मेरा इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख के हेल्प ले सकते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑलवेज फाउंड इन द ब्रेवरी, मतलब होता है वीरता। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण हमेशा ब्रेवरी में पाया जाता है, मतलब वीरता में कौन सा गुण हमेशा पाया जाता है। तो इसका आंसर करेज होगा, क्योंकि जो वीर होगा वो साहसी होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से चित्रों में वो ट्रायंगल, देखिए फिगर काउंटिंग के भी क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं, तो पहले आप इसको नॉर्मली काउंट कर जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, तो इसका आंसर 12। ठीक है, फिर पूछ रहा है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पाँव की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने 14, देखिए इस समूह में कितनी गाय हैं। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है 7। भाई ऑप्शन भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए। एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सेकंड सीरीज पर आप फोकस कीजिएगा, अल्फाबेट पर फोकस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ पल्स क्रॉप, ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल दाल की फसल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा सरसों, ठीक है, मस्टर्ड जो होता है वो दाल की फसल नहीं है, क्योंकि ये क्या तेलहनी फसल है, ठीक है, ये ऑयल क्रॉप है और ये सब दलहनी फसल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च हम ICAR इज लोकेटेड, ठीक है, मैं आपको बताया था कि पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ICAR का एक्सपेंशन क्या होगा और ये कहाँ, इसका कहाँ हेड ऑफिस है। तो इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका जो पार्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च, ठीक है, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद का गन्ना संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ठीक है, अब ये देखते हैं लास्ट एक 24 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर स्टार्स ऑफ द इंडियन फिल्म हु वाज अवार्डेड द पद्म श्री नेशनल अवार्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010। देखिए ये थोड़ा सिली क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए सिली क्वेश्चंस इस पेपर के हिसाब से तो सही है, क्योंकि पेपर 2011 का है, तो इसमें 2010 का क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन प्रूव करता है कि क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट अफेयर्स। इसलिए आप CA की प्रिपरेशन जरूर करके जाएँ, जरूर करके जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है, निम्नलिखित भारतीय फिल्म सुपरस्टार कलाकारों में से किसने सन 2010 में राष्ट्रीय पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर है उस समय रेखा को दिया गया था, आपको बताइए। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि आप 19 का देने जा रहे हैं, तो 18 में किसको मिला है आप जरूर देख लीजिएगा। फिर देखिए 25 क्वेश्चन कि महाकुंभ मेला ऑफ द ईयर 2010 वॉज हेल्ड, देखिए अब देखिए 2010 में महाकुंभ कहाँ लगा था, तो ये क्वेश्चन आपका हरिद्वार का है, ठीक है, ये हरिद्वार में हुआ था। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि क्वेश्चन आप कहाँ से बन सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भी प्रयागराज में हुआ था वो क्या था, तो प्रयागराज में जो हुआ है वो है आपका अर्धकुंभ। देखिए अब वो गवर्नमेंट की देन है हमारे, कि मतलब उन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था, कि मतलब वो महाकुंभ भी उसके आगे फेल था, काफ़ी पैसे भी खर्च हुए थे और उससे काफ़ी अर्निंग भी हुई है गवर्नमेंट की। तो वही है कि इस बार का जो अर्धकुंभ था यहाँ पे संगम प्रयागराज पे, तो वो इस बार अर्धकुंभ था। और मैं आपको बता दूँ कि महाकुंभ मेला जो है ये 12 ईयर अल्टरनेट पड़ता है, और देश में पूरे 4 जगह पे होता है, एक हरिद्वार में होता है, और एक आपका नासिक में होता है, और एक आपका उज्जैन में होता है, और एक आपका होता है हाँ प्रयागराज संगम में, ठीक है, ये 4 जगहों पर होता है। और ये अर्धकुंभ यहाँ पर अभी हुआ था कहाँ पे, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल चुका है प्रयागराज। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बदले हुए नाम से आएगा, ना कि इलाहाबाद से आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको सेकंड ले चलूँगा बहुत जल्दी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा मन करता है वीडियो बनाने का। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। सोच लीजिए कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत जल्दी ही हो गया। खैर इसमें मैंने बातें भी बहुत की हैं, तो क्वेश्चंस और जल्दी सॉल्व हो सकता है, और इसी स्पीड से आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि क्योंकि आपको फिर ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, रटी रटाए क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप बस एक बार मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आप निश्चिंत रहिए, आपका निकलना निश्चित है। बस इतना है कि कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा लास्ट टाइम तक, बस 10-15 दिन और बचा हुआ है, तो रिविजन कंटिन्यूस रखिए। जो जहाँ जहाँ से आपकी तैयारी नहीं है उस पॉइंट को भी आप पकड़ लीजिए, जैसे कि करंट अफेयर्स में ज़रूर एक बार करंट अफेयर्स आप देखिएगा, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। फिलहाल बाय और अलॉट ऑफ थैंक्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके।